नमस्कार, आपका स्वागत है डीएनए खबर में। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में नहीं है। मंगलवार सुबह ही उनका कोरोना वायरस का टेस्ट कराया गया, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। पूर्वी दिल्ली स्थित राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की हालत स्थिर है, लेकिन बुखार अभी भी बना हुआ है। इससे पहले सत्येंद्र जैन ने सोमवार को तेज बुखार और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत की थी। इसके बाद उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कर उनका इलाज शुरू कर दिया है। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको देश व विदेश से जुड़ी हर खबर की जानकारी आप तक पहुंचा सकें। लक्षणों के आधार पर सत्येंद्र जैन के कोरोना वायरस संक्रमित होने की आशंका जताई गई थी और सुबह ही उनका कोरोना टेस्ट किया गया है। सत्येंद्र जैन को अस्पताल की सातवीं मंजिल पर कमरे में भर्ती किया गया है, जहां पर उनके स्वास्थ्य पर लगातार नजर रखी जा रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अस्पताल में भर्ती होने के बाद सत्येंद्र जैन के नाम संदेश दिया है कि आप अपनी सेहत का ख्याल किए बिना ही आप 24 घंटे जनता की सेवा में लगे रहे हैं और अपना ख्याल रखें और जल्द ही स्वस्थ हो। इसी के साथ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने भी ट्वीट किया है कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी राजीव गांधी अस्पताल में भर्ती, बुखार व सांस लेने में हो रही दिक्कत की खबर सुनी, ईश्वर से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। बता दें कि ठीक एक सप्ताह पहले मंगलवार को ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सैंपल भी जांच के लिए भेजा गया था, जिसमें वह नेगेटिव पाए गए थे। गौरतलब है कि स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के एक निजी सचिव सहित उनके कार्यालय के चार लोग अब तक कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। बताया जा रहा है कि सत्येंद्र जैन ने कुछ दिन पहले कोरोना वायरस संक्रमण की जांच कराई थी, जिसमें उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। वहीं रविवार को केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ हुई अहम बैठक में सत्येंद्र जैन और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ भाग लिया था। ऐसे में माना जा रहा है कि कुछ और लोगों की जाँच करवाई जा सकती है। ऐसी ही कई अन्य खबरों और जानकारियों के लिए बने रहिए डीएनए खबर के साथ। नमस्कार।